अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। माशाल्लाह हमने नमाज़े ईदुल अज़हा अदा कर ली है, इधर पूरा स्मोक हो रखा है। इस वक्त स्मोक बहुत ज़्यादा हो रखे हैं पहाड़ों में, इंशाअल्लाह ये भी मेरी बहुत जमीन है बारे में। अच्छा, आलू लगाए हैं। आलू लगाए, आलू होती है यहाँ? अच्छा चलो बढ़िया। सड़ती नहीं है, बारिश रहती है पानी हमेशा दरिया का, तो सड़ती नहीं है। डोगरियां चल। तो अभी हम इस घर पे जा रहे हैं कुर्बानी करने। इधर दरिया काफ़ी तेज़ है, वहाँ पर जिधर दराबे उरावे साइड में तो थोड़ा सिलो भी है, इधर हाँ कम जगह है। सही है, जबीर भाई अभी ये सेब का है वो नहीं है सीजन। अच्छा इतना ये सड़कों पे, अल्लाह अकबर, इतनी बर्फबारी होती है? ये कौन से महीने में होती है लगभग? मतलब वो दिसंबर उसंबर में, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। खूबसूरत कच्चे घर बहुत प्यारा लगता है। अभी हम जा रहे हैं जबीर भाई के घर। नाज़रीन अभी मैं डोगरियां से निकल चुका हूं, अब मुझे यहां से जाना है चंडीमढ़। थोड़ी दूर है, 10-15 मिनट के रास्ते, तो मैं वहां पर पहुंच करके गाड़ी करूंगा। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने, वहां के लोग कह रहे थे कि बाइक से छोड़ देता हूं, लेकिन रास्ते इतने ख़राब हैं कि बाइक वगैरह फिसलने का डर है, तो अगर कहीं बाइक वगैरह फिसल गई तो फिर डायरेक्ट खाई में ही जाके गिरेंगे, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया। पैदल चलने में ये भी कि डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छे लोग थे यार, खातिर तवाज़े भी बहुत किया। पूरे एक दिन हो गया मुझे यहाँ पर रुके हुए, कल शाम को ही आया था मैं, तो जाते जाते मुझे फिर शाम हो जाएगी। चलो माजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, निकल रहा हूँ मैं। आप जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, चंडीमढ़ तक का चला जाऊँगा, उधर से गाड़ी कर लूँगा। गाड़ी मिल जाएगी? हाँ हाँ मिल जाएगी गाड़ी। वो नहीं आए स्कूटी वाले? नहीं वो बिजी चल रहे हैं ना, कुर्बानी है तो उनको बुला नहीं सकते। हाँ मैं चला जाऊँगा, गाड़ी मिलेगी ना, सवारियाँ तो मिलती रहेंगी। हाँ चला जाऊँगा। चलो फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखना भाई। चलो भाई, रास्ता सही नहीं है भाई, नहीं तो मैं बाइक से ही चला जाता। अब यहाँ से कुछ दूर पर ही है हाईवे, तो वहाँ पर गाड़ी मिल जाएगी। इन पहाड़ियों के बीच से ये झरना आ रहा है। दुआ यही कर रहा हूँ कि बारिश कहीं तेज़ ना आ जाए। वालेकुम, खैरियत है? ठीक है,
हाँ जी आप इन हरे भरे वादियों को देखें, ये पहाड़ इतने डेंजर कटे हुए हैं कि इनको देख के वाकई में डर लगता है। बहुत ऊपर से आ रहे हैं। ये देख रहे हो भाई साहब, संभाल नहीं पा रहा बेचारा। रास्ता यहाँ पर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, इन्हीं रास्तों की वजह से बाइक नहीं ले आ सकती। बहुत खूबसूरत घर बना करके लोग यहाँ पर रहते हैं पहाड़ों पे। यहाँ भी बफलियाज ब्लॉक लगता है। देख रहे हो पुल की क्या हालत है। एक और खूबसूरत हाउस देख रहे हो, इन वादियों में ये अकेला ही घर लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोग को। इन पहाड़ियों में ऐसे अकेले रहना इनकी खसलत में है। नाज़रीन अभी मैं चंडीमढ़ पहुंच चुका हूं। ये रह गया इधर चंडीमढ़, मुझे इधर से जाना है, तो चलते हैं देखते हैं, चंडीमढ़ से गाड़ी करेंगे तब दराबा जाएंगे। स्मोक बहुत ज़्यादा हो रखे हैं यार, देख रहे हो, आपको दिखा देता हूं मैं, ये देख लो, ये सब पहाड़ों पे बसे हुए हैं, घर हैं सब, और स्मोक बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। वेदर भी गड़बड़ ही है। तो चंडीमढ़ में पहुंच चुका हूं, चंडीमढ़ से डोगरियां, ये डोगरियां चला गया है और ऊपर ये श्रीनगर
कश्मीर, मुगल रोड यही है। और चलते हैं हम अपने रास्ते पर। सवारी मिलेगी ना गाड़ी इधर जाने के लिए? इधर नहीं मिलेगी तो आगे 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 तो ऐसे ही तो जाएगी ना? ऐसे नहीं जाती हूँ आगे, तो यहाँ से ऐसे लोकल गाड़ी चल रही है पीछे से। अच्छा, तो यहाँ से जाएगी ना आप में सुरनकोट में जाना? हाँ सुरनकोट, तो वहाँ से ऑटो चल जाते। अच्छा उधर से? हाँ वहाँ पे रुकते हैं ना मेन चौराहे से। हाँ स्मोक बहुत ज़्यादा हो रखे हैं जी। चंदीबाड़ जो मेन चौराहा है वो 1 किलोमीटर यहाँ से है। यहाँ से दो दरिया मिल गई, एक डोगरिया से आ रही है, एक पीर पंजाल से मिल करके ये एक जा रही है। नेचर इज ऑलवेज विथ यू, प्लीज़ कीप इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन, PWD मुगल रोड प्रोजेक्ट। सही बात है भाई। चलते हैं कोई गाड़ी करते हैं सुरनकोट जाने के लिए। दराबा जाना है? दराबा जाना है, कहाँ पर मिलेगी? नाजरीन काफ़ी लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद सवारी नहीं मिली। आज ईद उल अज़हा होने के नाते तो चलते हैं पैदल, आगे चल के देखूँगा कोई गाड़ी मिलती है कि नहीं। तो आगे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर मेरे एक जान पहचान के हैं, तो उनसे मिलेंगे तो कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। तो नाज़रीन मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वादियाँ पसंद आई होंगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, लाइक एंड शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। तीखे रास्ते पे नहीं पड़ना फीका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।